Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about a new topic of developmental biology, and it is a cleavage. Actually, cleavage एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, और रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होने की रीजन ये होती है ताकि जो हमारे पास एक जाइगोट बना है, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बनता है. जाइगोट एक सिंगल सेल है, जबकि जो एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो एक नया इंडिविजुअल बनेगा, उसमें मल्टी सेल्स होते हैं. तो एक सेल से मल्टी सेल बनने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा. उसी स्पेशल टाइप की डिवीजन को हम क्लिविज कहते हैं. ठीक है, तो क्लिविज मल्टी, जो यूनिसेलुलर एक डिप्लॉइड सेल है, सिंगल सेल, उसको मल्टी सेलुलर करने के लिए क्लीविज का प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, अब दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि क्लीविज क्यों इम्पॉर्टेंट है. पहली रीजन तो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को बनाने के लिए क्लीविज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसकी रीज़न पहले भी डिस्कस की है कि एक सेल है, एक सिंगल सेल है, वो 2n है. अब एक उसने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है, तो उस मल्टी सेल बनने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी के लिए क्लीविज जरूरी है. अब टिपिकली जो जाइगोट है उसमें क्लीविज का प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड होता है एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल्स, और इवन के कैंसरस सेल्स जो कि फास्टेस्ट ग्रो करते हैं उनसे भी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है जाइगोट के सेल्स की. ठीक है, और फ्रॉग के सेल में ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि 43 आवर्स में 3700 सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं उसकी डिवीजन के बाद. और ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में जो क्लीविज का प्रोसेस है ये हर 2 घंटे के बाद स्टार्ट होता है. ठीक है, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, और 2 घंटे तक उसमें डिवीजन होती रहती है, और 12 घंटों तक में ये 50,000 सेल्स उसमें बना देता है. ठीक है, जो दूसरी रीजन है क्लीविज की वो है इंक्रीज इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो. इसका मतलब है कि हर एग को साइटोप्लाज्म ज़्यादा चाहिए ताकि वो एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टार्ट करवा सके. अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, यानी या फिर आप यूँ कह सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है एक न्यूक्लियस के लिए कि वो ह्यूज साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करे, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है इट इज़ ओवोसाइट. ठीक है, अब एक न्यूक्लियस जो है वो सफिशेंट आरएनए भी बना नहीं सकता. ठीक है, और ह्यूज साइटोप्लाज्म को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए सेल में क्लीविज होती है. और क्लीविज में मेनली एस फेज और एम फेज सेल साइकिल का होता है, जिसमें लिटिल और नो G1 एंड G2 फेज. ठीक है, तो एक तो सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए, दूसरा न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो को इंक्रीज करने के लिए क्लीविज का प्रोसेस होता है. अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि क्लीविज इंड्यूस करवाती है, सेल को किस तरीके से पता चलता है कि अब उसने डिवाइड करना शुरू करना है? देयर आर सम फैक्टर्स डैट इन्फ्लुएंस द सेल टू स्टार्ट क्लीविज, और वो फैक्टर है एमपीएफ फैक्टर. एमपीएफ फैक्टर मतलब एक्टिवेशन माइटोटिक या माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर. ठीक है, एमपीएफ फैक्टर इसको कहते हैं. इसके मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका पार्ट है साइक्लिन बी और दूसरा है इसका पार्ट CDC2. ठीक है, अब जो साइक्लिन बी है इट इज द मेजर एंड इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ एमपीएफ फैक्टर, एंड CDCK2 इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ एमपीएफ फैक्टर. एक्चुअली साइक्लिन एक्टिवेट द CDCK2. CDCK2 रिमेन्स इनएक्टिव इफ इट विल नॉट रिसीव एनी सिग्नल फ्रॉम द साइक्लिन. साइक्लिन से सिग्नल को रिसीव करने के बाद जो CDCK2 है ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेशन होने के बाद ये मेजरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉस्फोरिलेशन करवाता है, प्रोटीन्स को फास्फोराइलेट करता है, और प्रोटीन को फास्फोराइलेट करने के बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है उसको ख़त्म करता है, जो क्रोमाटिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंडेंस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स में
कन्वर्ट करता है और इसके साथ साथ माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन भी करवाता है। तो क्लीविज के लिए ये दोनों फैक्टर्स, जो एमपीएफ फैक्टर है, इसके दोनों पार्ट्स का होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एमपीएफ फैक्टर है, इट इज ऑलवेज हाई ड्यूरिंग एम फेज। एम फेज में ये बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और एस फेज में ये बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही एम फेज स्टार्ट होगा, ये एमपीएफ फैक्टर पीक पे होगा। जब एम फेज खत्म होगा, अब चूंकि सेकंड जो ड्यूरियन है उसका जीवन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ये खत्म होना शुरू हो जाता है, और एस फेज में तो ये बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। जैसे ही जो जी टू फेज जो है वो स्टार्ट होने लग खत्म होने लगती है, एमपीएफ फैक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एम फेज में अल्टीमेटली इसका लेवल पीक पे चला जाता है और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एमपीएफ फैक्टर इज एलिवेटेड ड्यूरिंग एम फेज एंड इट इज डिक्रीज्ड एट द एंड ऑफ एम फेज, और इसका जो लेवल है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है एस फेज में। अब जब एक सेल है उसने दो सेल्स में डिवाइड करना है, तो ड्यूरियन के लिए पहले तो उसको कैरियोकाइनेसिस चाहिए, उसके बाद उसको साइटोकाइनेसिस चाहिए, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है ड्यूरियन। यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनने हैं तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ताकि दोनों सेल्स को इक्वल जेनेटिक मटेरियल जाए। उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। अब जाहिर है माइटोटिक अपरेटस होगा तो तब ही जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमाटिन हैं, वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ये जो क्रोमाटिन्स हैं, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, जैसा सेंट्रियोल, यहाँ से माइटोटिक अपरेटस निकलेगा। माइटोटिक अपरेटस में ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज अ एस्टर, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो कि सेंट्रोमियर की जो काइनेटोकोर प्रोटीन है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस माइटोटिक अपरेटस के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं कैरियोकाइनेसिस में। और उसके बाद अगर एक दफा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, तो न्यूक्लियस की डिवाइड करने के बाद अब एक ही सेल है यहाँ पे, ऑल्दो न्यूक्लियस डिवाइड किया है बट ये एक सिंगल सेल हमें नजर आ रहा है। अब चूंकि दो सेल्स बनेंगे तो इसलिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना भी जरूरी है। अब इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के प्रोसेस को ही हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म की ड्यूरियन। इसकी ड्यूरियन जो है वो प्लांट के अंदर डिफरेंट होती है और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करती हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन साइटोकाइनेसिस। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स में हेल्प करती हैं, जबकि प्लांट के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट होता है, गोल्जी अपरेटस, जो कि फ्रेगमोप्लास्ट बनाती है एट द सेंटर ड्यूरिंग मेटाफेज, और फिर एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देती है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ड्यूरियन होगी, मतलब क्लीविज क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड करता है, कौन सा मैकेनिज्म है जो कि उसको डिवाइड करने पे मजबूर कर रहा है, और अगर एक सेल ने दो सेल्स में डिवाइड करना है तो पहले उसकी कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद उसकी साइटोकाइनेसिस होती है। अब अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो को देखें तो उसमें क्लीविज का पैटर्न डिफरेंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि उसमें यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है कि कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि उसमें क्लीविज किस तरीके से होगी, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी क्लीविज को, और ये डिटरमिन करते हैं माइटोटिक स्पिंडल का एंगल कैसा है और क्लीविज की फॉर्मेशन का टाइम क्या होता है, ठीक है। इस हिसाब से इसके अंदर क्लीविज का प्रोसेस होता है। अब जो क्लीविज है ऑन द बेसिस ऑफ यॉक इन द सेल, ये डिफरेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यॉक है वो बहुत कम होती है और वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है,
आइसोलेसिथल इन एग्स को कहेंगे जिसमें योक बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। वह स्मॉल अमाउंट ऑफ योक दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, इसको हम कहेंगे ये आइसोलेसिथल है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आइसोलेसिथल है उसमें सी अर्चन, मैमल्स और स्नेल आते हैं। उसके बाद है मीजोलेसिथल, इनके अंदर मॉडरेट अमाउंट होती है योक की, और योक जो है ये ज्यादातर वेजिटल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मीजोलेसिथल है वो एम्फीबियंस हैं, ठीक है। उसके बाद है टीलोलेसिथल, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक होती है, और जो क्लीविज है वो सिर्फ उसी पार्ट में होगी जहां पे योक नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम एक सेल की बात करें तो इसके दो पोल्स होते हैं, एक इसका पोल होता है एनिमल पोल और जो दूसरा पोल है वो होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो पार्ट है जहाँ पे योक की क्वांटिटी सबसे कम होती है और वहां पर एक्चुअली सेल का न्यूक्लियस होता है जहाँ पे ड्रियन होनी है। और वेजिटल पोल वो पार्ट होता है जहाँ पे योक क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और वहां पे ड्रियन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल में योक बहुत ज्यादा होती है और ये योक विद इन द सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है, और इसमें एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स की और आर्थ्रोपोडा की। अब अगर ये योक के हिसाब से हमने एग को डिवाइड किया है तो उसमें क्लीविज का पैटर्न किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्लीविज है इट इज अ होलोब्लास्टिक क्लीविज। होलोब्लास्टिक क्लीविज का मतलब है कि ये सेल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। होलोब्लास्टिक मतलब सेल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर कुछ सेल्स हैं जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं और उसमें होलोब्लास्टिक क्लीविज है, लेकिन ये क्लीविज उसके पैटर्न के हिसाब से डिफरेंट होती है। अगर होलोब्लास्टिक क्लीविज है लेकिन वो रेडियल है, रेडियल मतलब ये कि जो क्लीविज हो रही है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर है एनिमल के वेजिटल एक्सिस के हिसाब से, तो इस क्लीविज को हम कहेंगे रेडियल क्लीविज, और ये क्लीविज इकाइनोडर्म्स में आती है, ठीक है। उसके बाद जो अगली क्लीविज है इट इज अ स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीविज, और ये क्लीविज एनालिडा में, फ्लैटवर्म्स में और मोलस्क में आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो क्लीविज है इसमें ओब्लीक एंगल भी होती है, ठीक है, और ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट बनाता है ब्लास्टोमियर्स का, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा है। उसके बाद है बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीविज, ये ज्यादातर हेमिकॉर्डेट के मेंबर्स यानी कि ट्यूनिकेट्स में होती है। अब इसमें जो फर्स्ट क्लीविज का प्लेन है वो लेफ्ट राइट एक्सिस ऑफ द सिमेट्री होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। उसके बाद इसकी सक्सेसिव डिवीजंस होती हैं, ओरिएंट इट सेल्फ अपने ही प्लेन के ऊपर, ठीक है, और इस क्लीविज को हम बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीविज कहेंगे जिसमें सिंगल प्लेन ही पास किया जाता है और दो मिरर इमेजेस में उसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद है रोटेशनल क्लीविज, और ये क्लीविज मैमल्स में और निमाटोड्स में होती है, ठीक है। उसके बाद जो मीजोलेसिथल है, मीजोलेसिथल कौन थे, एम्फीबियन, जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होती है, उसमें क्लीविज बी होलोब्लास्टिक होगी। अब एग जो है चाहे वो आइसोलेसिथल है चाहे वो मीजोलेसिथल है, उसमें क्लीविज होलोब्लास्टिक होगी, ठीक है। आइसोलेसिथल मीजोलेसिथल दोनों में कौन सी क्लीविज होगी, होलोब्लास्टिक क्लीविज होगी। एंगल के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, रोटेशनल। जो दूसरी क्लीविज है इट इज अ मीरोब्लास्टिक क्लीविज। मीरोब्लास्टिक क्लीविज का मतलब है कि ये सेल को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करती। अब एक्चुअली इसमें क्योंकि योक की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ वही पार्ट डिवाइड करेगा जहां पे योक नहीं है, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो फिश है, रेप्टाइल है, बर्ड है, क्योंकि इनके एम्ब्रियो ने योक पे फीड करना होता है इसलिए इनके सेल में योक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इनमें जो डिवीजन है वो सिर्फ एक डिस्क में होगी इसलिए हम इसको डिस्कॉइडल क्लीविज भी कहते हैं। और टीलोलेसिथल इनका एग होगा और इनमें जो क्लीविज है वो मीरोब्लास्टिक होगी या डिस्कॉइडल क्लीविज होगी, ठीक है। अब एक और मोलस्का की जो क्लास है स्फेलोपोड, वो भी टीलोलेसिथल है यानी कि उसमें जो योक है वो भी एक डिस्क के ऊपर होती है, उसमें क्लीविज भी मीरोब्लास्टिक है, बट इस क्लीविज को हम बाइलेटरल क्लीविज कहेंगे, ठीक है।
अब जो कुछ इंसेक्ट हैं उनमें सेंट्रोलेसिथल हैं, वो सेंट्रोलेसिथल मतलब यॉर्क बहुत ज्यादा है लेकिन वो सेंटर में है, बजाय इसके कि वो एक टिप के ऊपर हो, तो सेंट्रोलेसिथल वालों की क्लीविज जो है वो भी मीरोब्लास्टिक क्लीविज होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।